ओ भाई राधे राधे। यूपी बंद में रह जाता है, अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। बेबी की गलती बेबी की है, रिक्शे वाले की गलती बिल्कुल भी नहीं है। रिक्शा ऐसे भागते लगे। अब मुझे बताओ हाउ वाज योर बर्थडे? अच्छा सरप्राइज मिला मुझे, इन दोनों मेरे प्यारों ने बहुत प्यारा सरप्राइज दिया है। मेरी अपनी भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कैसे हुए दर्शन? बहुत दुर्लभ। पक्का? बहुत दुर्लभ, बिल्कुल खुले दर्शन थे, खुले दर्शन सच्ची में। हाँ। कैसे रहे दर्शन? हालत देख के लग रहा होगा बहुत ही प्यारे दर्शन थे, एकदम अंदर घुस के सामने से बिल्कुल निहार है कान्हा जी को, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आज मुझे याद है उन्होंने क्या पहना हुआ है। हेलो। लेकिन मैं रोजी का मैं नहीं गया था भाई, अंदर यही दोनों लोग गए थे, ये और ये, क्योंकि मेरे शोल्डर प्रॉब्लम थी और अंदर बहुत भीड़ होती है भाई, बहुत ज्यादा भीड़, धक्का मुक्की ये सब। मैं कल शाम को कर लिए थे दर्शन, अभी मैं कहाँ गया था पता है आपको? सामने है जुगल घाट, जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण फर्स्ट टाइम मिले थे, वो जुगल घाट में मिले थे। सामने पता है क्या है? इधर। हाँ जी, बात तो फोन कर लो, बात कर लो, बात में बताओ। हाय बढ़िया सब, राधे राधे। अब हम देखो शायद अब या तो कंस कला की तरफ जाएंगे, हमें जो भी मंदिर जाने थे अकॉर्डिंग टू टाइम, अब 12 बज चुके हैं तो मंदिर तो बंद हो चुके होंगे, लेकिन कंस किला आई होप खुला होगा। चलो अब क्या है, अर्पित के साथ एक इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया? रिक्शे वाले से पूछते हुए चल रहे थे कि हमें अभी कौन सा मंदिर खुला होगा और हमें कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला निधिवन जी खुला है वहाँ चले जाइए। अब वो पूछते पूछते ऐसे करके, हाँ ठीक है इतने में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करते सामने से ई रिक्शा आया, फिर भागते लग गया। जाने की एक्साइटमेंट ना तो ध्यान तो था नहीं, इधर लगा मेरे माथे में एकदम ठंड, फिर मेरा माथे के वो होते हैं ना लाइट सी जल जाती, दिमाग चिलंगा से उड़ जाते हैं, वो सारी एकदम खराब तो हो गया मेरा दिमाग। उसके बाद वो मुझे ही पता है कि मैंने वो अपने शब्द कैसे मैं क्या पी रहा था, भीतर ही भीतर है, इसी देर में तो डिग्री दे देता दे उसे गालियों की। मैं गलती बेबी की थी, बेबी की चार आगे नहीं हो पाई, बेबी आगे भी नहीं देख पाए, बेबी पीछे भी नहीं देख पाए, बेबी किसी से बात कर रहा तो रुक के बात करनी चाहिए। तो यही तो बेबी की गलती बेबी की है, रिक्शे वाले की गलती बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये वृंदावन का, वृंदावन निधिवन का मार्ग है, निधिवन जा रहे हैं अभी हम। फोन रख लेता हूँ, बंदर ले जाएगा फोन। तो आ गए आप निधि पर, प्रेम से खूब राधे राधे बोल करके आने, राधे 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 राधे। ओ भाई अब तो खोल दिया इन्होंने पूरा ऊपर, मुझे पता है मैंने ऐसे पकड़ रखा है। यूपी वन में रुक नहीं पाता, यूपी वन में रह जाता है, अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। बोलो कन्हैया लाल की जय। पूरे वन में इतने भी पेड़ देख रहे हैं, पेड़ों का चमत्कार क्या है, जितने भी पेड़ हैं सारी चीज सूख चुके हैं, खोखले खत्म हो चुके, पर आज भी ऊपर से पत्ते सब आपको हरे मिलेंगे। कोई भी वृक्ष वन के अंदर में अकेला नहीं मिलेगा, एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, जैसे आधे में राधा तो आधे में कृष्ण। आप लोग जब वृंदावन में आते हैं, यहाँ पति पत्नी का भाव नहीं है, यहाँ राधा कृष्ण का जुगल भाव का दर्शन है। इन्हीं पेड़ों के बीच में ये गड्ढे बनाए हैं, देख रहे हैं आप लोग, हर पेड़ के बगल में ऐसा गड्ढा मिलेगा। ये क्यों बनाए हैं? आज भी ये पत्ते लड्डी टूट के गिरते हैं, पुजारी कभी बाहर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि कूड़ा करकट नहीं है, ये सब तुलसियाँ हैं। आप लोग जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में कितनी प्रकार की तुलसी होती है? तीन प्रकार की तुलसी है माँ, पहली है श्यामा, दूसरी है रामा और तीसरी बोलते हैं वृंदा। श्यामा रामा जो हम लोग घर में लगाते हैं, जो भगवान के भोग प्रसाद में रखते हैं, इसको बोलते हैं बन तुलसी, वृंदा तुलसी। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, और डाल डाल उत्पात पात पे राधे राधे होए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ताली बजाओ हसो आहा, बोलो राधे 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 राधे। पत्ते लकड़ी इसके अंदर में डाल के जाते हैं, सुबह जब मंगला करने पुजारी आते हैं तो गड्ढों में क्या मिलता है कि तुलसी की माला बन जाती है।
जो हम लोग गले में पहनते हैं अपने आप ही। आज भी वो माला भगवान के घर में जाती है जिसको आपको प्रसाद के तौर पर मिलती है। कहते हैं कोई भी हरि भक्त उस माला का 5 दाना निकाल कर गाय के कच्चा दूध गंगा जल में शुद्ध कराकर एकादशी वाले दिन, समझते हैं एकादशी, ग्यारस ग्यारस वाले दिन गले को जो हाथ को पहनते हैं लॉकेट में भरकर कोई भी कामना करके जाते हैं, अन्न की धन की व्यापार की पुत्र की। आज भी ठाकुर जी चमत्कार दिखलाते हैं 31 दिन में और 11 महीने में मन की मनोकामना पूर्ण करें। बोलो राधा रानी की जय। चलो हसलो, ऐसा रूडली बिहेव कर रहे हो, दर्शन करने आए हो, क्या करने आए हो? दर्शन मालिक राहुल ठाकुर जी को आनंद ऐसे नहीं आएगा खाली खाली घूमने में। बोलो राधे 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 राधे। आओ, जब हम लास्ट टाइम आए थे तब ये बंद था ना। राधे 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 राधे। तो चल अब मुझे बताओ, हाउ वाज योर बर्थडे? मेरा बर्थडे बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सरप्राइज मिला मुझे। इन दोनों मेरे प्यारों ने बहुत प्यारा सरप्राइज दिया है और खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बर्थडे हो और ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत सुकून मिलता है सच। कोई गलती हुई है गुन्नू तो माफ कर देना मैं, है ना? अरे नहीं। और तरना जी, और तरना आपसे भी अगर कोई गलती हुई हमसे तो माफ कर देना, है ना? बाकी माधव हैं हमारे साथ, वो बने रहेंगे। चलो राधे राधे। तो अभी कहाँ के लिए निकल लिए ये भी बता दो मुझे। घर वापस, वापसी है हमारी बरसाना, सॉरी वृंदावन से जा रहे हैं मथुरा बस स्टैंड पे, वहाँ से बस लेंगे और घर की ओर रवाना हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी है, आई होप आपने भी एंजॉय करी होगी। तो अभी हम आ गए अपने मथुरा के न्यू बस स्टैंड पे। अब यहाँ से हमें एक नोएडा के लिए बस मिल जाएगी। एक मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ से 4:30 बजे एक लास्ट बस है नोएडा जाने के लिए, तो मेक श्योर आप उसको ले लेना। ये रही, तो इसमें गुन्नू मैडम और तरुणा मैडम दोनों बैठे हैं। अब मैं पहुँचता हूँ।